मरियम की फाइनल लुक जुती और कोल्ड ड्रिंक बाय ये है कुकी और अबे गाड़ी में बैठते दिखा था आपको बाय बाय जी। हमने जिनको लेना था वो आ गए, हमारे एक नया पैसेंजर आ गए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मीसा व्लॉग। आप लोग को बहुत बहुत वेलकम है एक अनदर व्लॉग में। तो भाई जैसे कि आप लोग ने पिछला व्लॉग देखा होगा वो बारात का था, और आज का व्लॉग है वलीमे का। तो हम सारे जाएंगे, हम सारे नहीं, मैं सवेरा आपी और राबे बाजी और भाई, हम चारों जाएंगे हैदराबाद, क्योंकि वलीमा है हैदराबाद में और हम हैदराबाद जाएंगे। अभी से तैयार होने, अभी हम देखिए तो दोपहर ही हो रही, तो हम अभी तैयार होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद का भी सफ़र 2 या 3 घंटे का ही है शायद, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन अभी हम सब फटाफट तैयार होंगे और हमने निकलना है 4 बजे। और मैंने कहा पहले उठ के मैं ब्लॉग का कोई इंट्रो शूट कर लूँ, क्योंकि पिछले ब्लॉग में जैसे फटाफट बोला था और कुछ पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, तो एक बात यह है कि आप लोग हमारे ब्लॉग शायद देख नहीं रहे हो या कुछ कर नहीं रहे, तो आप लोग उस ब्लॉग को अगर आप देख लो तो आप आगे शेयर कर दो, ताकि दूसरे लोग भी देखें, क्योंकि हमारे ब्लॉग में व्यूवर्स नहीं आ रहे इतने। तो आप लोग जो देख रहे हो उसको आगे शेयर करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, उनको बोले कि वो आगे शेयर करें, उनका बोलो वो आगे 3 लोगों तक शेयर करें। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे कि अभी हम बिगनर्स हैं, अगर आप लोग के सपोर्ट से हम बहुत अच्छा आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी सवेरा भी ऊपर है, रावे बाजी भी ऊपर है, तैयार हो रहे हैं, मैं नीचे हूँ कि मैं फटाफट एक इंट्रो शूट कर लूँ। तो इंट्रो शूट करती हूँ, फिर अभी हम जाते हैं ऊपर, उनसे मिलते हैं कि वो लोग अब कहाँ तक पहुँचे अपना मेकअप वेकअप को लेके। तो अभी चलते हैं। ये आ गई थी माशाल्लाह से हेयर स्टाइल बनवाने, जरा दिखाओ अच्छे दिखेंगे, बहुत अच्छे सवेरा पे। तो बताओ सर, एक ब्रिज बनवा के आ गई अपने सर के दिखा सर आज लग रही है और आप बस याद दिखाओ इन्होंने मुझे भी ऑफर दी थी चलने की, लेकिन अच्छा हुआ तुमने भी दी। वाह, अब बेचारे ने अपना हेयर स्टाइल दोबारा खोलेंगे और दोबारा बनाएंगे। हाँ, ये क्या हरकत करी तुमने? मैंने ही सारा सामान ऊपर लेके जा रही थी, इतना ज्यादा अकेले, तो एक चीज गिरनी थी। उठाओ शराफत से उसको, उठाओ। ये जो मेरा तुमने ये पैरेट तोड़ दिया है ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उठाओ भाई, मेरा बेस वगैरह हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे जैसे कल एक प्रॉब्लम थी कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंस इरिटेट कर रहा है, अभी भी कर रहा है वो। कोई बात नहीं, अभी हम इसको चलाते हैं कुछ ना कुछ करके। और बेस वगैरह कम्प्लीट हो चुका है, सवेरा पे का भी मतलब आधा कम्प्लीट हो ही चुका है। हम आहिस्ते आहिस्ते तैयार हो रहे, क्योंकि मतलब कि दोपहर में कौन तैयार होता है ये तो मुझे आज पता दो, कोई दोपहर में कौन तैयार होता है। लेकिन अभी हम हो रहे हैं, उठते साथ ही हमने मेकअप हाथ में पकड़ा है, तो अभी देखते हैं क्या सीन चलता है, कितने बजे तक निकलते हैं और कब तक उधर पहुंचते हैं, क्योंकि उधर हॉल टाइमिंग है हैदराबाद, हमने शायद 8 या 9 बजे पहुँचना है, और अभी टाइम हो गया है 2:30 हो गया। अभी हम सवेरा पे वेट करते हैं कब मतलब कि उसका बेस रेस होगा। तो उसने बोला है कि भाई मुझे तैयार जब मैं मतलब कि आधा हो जाऊँ, मतलब तो बेस कम्प्लीट कर लो फिर लेना। मैंने कहा ठीक है, नहीं आऊँ तो अभी सवेरा आप क्या वेट करते हैं, बाकी जो 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 जैसे जैसे तैयार होता रहेगा वैसे वैसे आपको दिखता रहेगा। और मैं अपनी ड्रेस भी दिखाऊंगी आपको भी, तो बता में कि मैं क्या पहन रही हूँ सवेरा। मेरा सवेरा का ड्रेस सेम है, मतलब कि हम लोग पहन रहे हैं घाघरा तो नहीं, क्या कहते उसे, वो पहन रहे। तो मेरा है लाइट ब्लू और सवेरा का है डार्क ब्लू, तो हमारी शायद मैचिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन कलर का थोड़ा डिफरेंस होगा। अभी वेट करते हैं सवेरा पे है कि वो अपना बेसिस कंप्लीट करे, तो फिर हम उसको भी ब्लॉग में लें कि अब आ जाओ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, अपना ऐसा जो तैयार शुरू किया सब ऊपर, अपना ताम झाम लेके खड़ी हुई हैं। वो सवेरा पे अपने ब्रिज के साथ तैयार हो रही है सब पे कहाँ तक पहुँचे, अभी शुरू हुआ है। रावे भाजी ने अपना आधा ब्रिज खोल चुका है अभी ये सब अपना हेयरस्टाइल खुद बनाएगी। ये रात को जागने का हाल था, अभी दिखा जरा शक्ल अपनी मरियम, अपना हेयरस्टाइल बनाओ, टाइम नहीं है। मैं बना रही अभी, ये जब अपना पूरा ब्रिज खोल कर नया हेयरस्टाइल बनाएंगे तब मैं आपको अपनी दोनों आपियों का हेयरस्टाइल नया दिखाऊंगी
हम सब तैयार हो चुके हैं और अब हम जा निकलने लगे हैं हैदराबाद. अभी नहीं, जब निकलने का शोर आ रहा होगा ना क्योंकि हम बच्चे पागलों की तरह चीखेंगे. और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और जाते जाते हो जाएगी हमें रात, क्योंकि हमने जाना है हैदराबाद और आज है वलीमा. मैं जा रही हूँ पहली दफा हैदराबाद और मैं तो अजीब बात है, ये तो जाती रहती है. चले तो जब राधा जी चेंज हो जाएंगे हम उनको भी दिखाएंगे कि मैं हम दिखाते हैं हमने अपनी फाइनल लुक पूरी पूरी की हम लग कैसे रहे. चलो तो ये है मरियम की फाइनल लुक. जरा घूम के भी दिखाओ, थोड़ा एक्शन एक्शन मारो. वाह, रुक जाओ, आंखें बंद करो, अपना मेकअप प्रदर्शन करवाओ. ओके, कानों में क्या पहना है? मैंने झुमके दिखाना तुमने, अपने मुंह से पड़े तो झुमके पहने दिखाओ. व्हाट झुमका. चलो यार, जब तक कि भाभी भी फाइनल होकर आती फिर उनको भी दिखाते हैं. तो ये है सवेरा आपी का फुल लुक. ओहो झुमके झुमके, मैंने बोला तुमने पहने तो मैं तुमसे बड़े पहनूं. हाँ बट अब आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से. हेयर स्टाइल हेयर स्टाइल घूमो घूमो. ये अब हो रही हमें देर, अब हम इनके सीधा गाड़ी में, अब हम जा रहे हैं नीचे. रावत जी नीचे चली गई, वरना हम आपको उनको भी दिखाते हैं, उनको हम हॉल में दिखा देंगे. तो हम चलते हैं नीचे. आज चलो चलो इसको लेके मैं गिरी ना जाऊँ, हील पहनी है तो हम नीचे आके कैमरा खोलते हैं. थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चलते हैं. हील बहुत बड़ी पहनी है हमने. चले अब गाड़ी में बैठ कर दिखा था आपको. घर निकलने लगे हैं हम. खोल भी लो. और ये देखो महारानी बैठी है, गाड़ी में बैठ जाओ. नहीं मैं पकड़ो, एक सेकंड. हमारी भाभी का मुंह तो दिखा दो जरा. भाभी 3 2 1 चलो मिलते हैं. लोग रुके हैं अपने सफर के लिए, थोड़ी बहुत चीजें लेने के लिए, जैसे कि पापड़ शापड़ वगैरह, खाने पीने की चीजें, मजे मजे के, ताकि हम सुबह से उठे में सब नाश्ता गया. दुकान दिखी भी रही तो नाई की दुकान. चलो स्नेल्टी और कोल्ड ड्रिंक. ये है कुकी और तुम्हारा कहो मुझे भी दो. ले लेना, क्या लेना है, गाड़ी में रखो. कि हमने जिनको लेना था वो आ गए, हमारे एक नया पैसेंजर आ गए हमारी गाड़ी जिनको लेना था. हाँ अमेश भाई भी आ गए. अब हम पूरी गाड़ी फुल हो चुके हैं, हम चलते हैं हॉल में हैदराबाद. चलो इनको देख लो. Two thousand years later. So, यार हम पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पर. अभी हम सारे पहुंच चुके अपने वेन्यू के ऊपर और ये सारे. अभी हम लोग चलते हैं अंदर. बोला वाव है, ये है माहौल यहाँ का, वलीमे का खूबसूरत माहौल. और ये है वही लड़की जो पिछली दफा मिली थी. ये है मेरी दोस्त. यार ये कितना प्यारा लग रहा है. यार मुझे मेरे ये इयररिंग्स इतने ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लग रहे हैं, मेरा कान दुखने लग गया. ये देखो मेरा तो सही है, मैंने पीछे से शॉपर पहना हुआ था, आपने नहीं पहना. बड़े बहुत है ना मेरे भी, बड़े मेरे हैवी हैं. तो दूर का सफ़र कर कर आओ तो यही हाल होती है जो मेरी हुई है. मेरी लैश उतर गई है सारी, अब अंदर सही करने जा रही हूँ. हाल करके दिखाओ.
फाइनली खाना खुल चुका है और ये हमारे हाथ में आ गया मेन्यू और अब हम देख रहे हैं क्या क्या है खाने के लिए। बहुत वैरायटी है माशाल्लाह। और मरियम की शक्ल देख लो, मरियम को बहुत भूख लग रही है। डिलीशियस फूड आ चुका है, मज़ेदार। यार खाना वगैरह हमने खा लिया है, अब हम तो यार खाना वगैरह हमने खा लिया था और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, कानों की वजह से कॉपीराइट ना लग जाए। इस वजह से ना हम लोगों ने खाने पे वीडियो नहीं बनाई, तो मैं अभी साइड में आके वीडियो बना रही हूँ और मरियम अभी खाना खा रही है। मैंने खाना खा लिया था, अभी भी आप लोगों को कानों की आवाज़ आ रही होगी। तो बस 12 बज चुके हैं, अब हम सीधा आपको घर पर जाके मिलते हैं। अच्छा तो भैया हम आ गए हैं वापस घर पे, इतनी दूर का सफ़र करके हम आ गए हैं। लेकिन सवेरा फिर ने भाई वो तो गाड़ी में ही टर्न हो चुकी थी, बिल्कुल सो चुकी थी, कपड़े वपड़े उसने चेंज कर लिए, तो कहती है अब तुम ही एंडिंग कर लो अकेले। तो आज का व्लॉग में सिर्फ मैं ही मैं दिखी होंगी आपको, ऑफकोर्स सारा व्लॉग मैंने ही बनाया, थोड़ी सी शाबाशी दिएगा। और फिर अब हमको मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में, नए व्लॉग या कोई चैलेंज में जो भी होगा कर लेंगे, देख लेंगे। तो अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, उन्हें बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये भी हम बिगनर्स हैं, तब फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले स्टार्टिंग में की थी, अब दोबारा करें कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें फुल और अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें और आप लोग हमें आइडियाज़ दें कि हम और कौन कौन सी वीडियोज़ बना सकें। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड इंशाल्लाह।